हेलो जनता, कैसे सब सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस, थंबनेल एंड टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये थंबनेल किसका चुराया है मैंने। तो मतलब कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होगा, मतलब इस वीडियो का टॉपिक होगा रैंक से। तो नया सीजन आने वाला है, तो जल्दी से हम मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स रैंक उसके लिए लेकर आ गए। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो वॉच मतलब लास्ट तक वॉच करना, ठीक है। इस वीडियो में मतलब इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई नेक्स्ट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम 101% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। जो भी चीज़ आपको 10 वीडियो में देखने को मिलेगा ना, वो एक ही वीडियो में मैंने वो सब चीज़ कैच कर लिया हूँ, ठीक है। तो मतलब आप एंड तक ज़रूर से देख लेना ये वीडियो। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1 है कि आपको कंफर्म करना है पहले कि आपको किस में रैंक पुश करना है, ठीक है। मतलब आपको सोलो में रैंक पुश करना है कि डुओ में रैंक पुश करना है कि स्क्वाड में रैंक पुश करना है, ठीक है। मैं आपको ए टू जेड सब एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को एंड तक देखना। गाइस, आपके पास लो एंड डिवाइस है, मतलब 2 GB 3 GB रैम वाला फ़ोन है, तो आप सोलो ही ट्राई कर सकते हो। मतलब स्क्वाड या डुओ ट्राई मत करना, क्योंकि सोलो में बहुत बेहतर होगा लो एंड डिवाइस से। क्योंकि सोलो में ना आपको सिर्फ एक ही एनिमी का ग्राफिक्स रेंडर करना है होता है आपके फ़ोन को, तो थोड़ा कम लैग होता है। तो इसलिए आप सोलो में ट्राई कर सकते हो। एंड आपके पास कोई डिसेंट सा, सॉरी गाइस, साला वीडियो बनाने का कोई मतलब है इन्वायरमेंट ही नहीं है मेरे घर पे, क्या कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइस, ठीक है। हाँ, तो गाइस मैं क्या बोल रहा था कि सोलो में आपका फ़ोन को बस एक एनिमी का ग्राफिक्स रेंडर करना होता है, तो आप सोलो ट्राई कर सकते हो लो एंड डिवाइस में। एंड गाइस, अगर आपके फ़ोन में स्नैपड्रैगन 700+ का कोई भी प्रोसेसर एंड 4 GB रैम लगा है, तो आप डुओ ईजिली ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड आपके फ़ोन में अगर एटलीस्ट 6 GB रैम और 8 GB रैम है, तो आपके पास आईफोन है या तो 800+ का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा है, तो आप ईजिली स्क्वाड खेल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके पास या आईफोन 14 प्रो मैक्स 18 प्रो मैक्स 18 प्लस कुछ भी है, तो मतलब आपको स्क्वाड ही खेलना होगा। मतलब आपके पास अच्छा फ़ोन है तब भी आप सोलो खेलो डुओ खेलो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है, तो आप सोलो ही खेले, ठीक है, बस मेरा इतना ही कहना है। और अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है, तभी स्क्वाड डुओ ट्राई करें। तो गाइस, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। सो गाइस, पॉइंट नंबर 2 है थिंग्स नेसेसरी फॉर रैंक पुश, मतलब कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए रैंक पुश करने के लिए, ठीक है। तो मैं फर्स्ट चीज़ जो आपके पास होना चाहिए, एक डिसेंट सा फ़ोन जिससे आप रैंक पुश कर सको, गेम प्ले अच्छा कर सको। एंड गाइस, सेकेंड चीज़ जो आपके पास होना चाहिए वो है एक अच्छा सा वाईफाई, ठीक है, जिसका सिग्नल स्ट्रेंथ मतलब गुड या गुड से ऊपर एक्सीलेंट होगा, तो और भी मतलब सोने में सुहागा हो जाएगा। एंड फिर थर्ड में आपके पास जो चीज़ होना चाहिए वो एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है एयरफोन और कोई भी हेडफोन, ठीक है। आपके पास वायर्ड एयरफोन होगा तो बहुत ही अच्छा, ठीक है, वायर्ड एयरफोन और हेडफोन वो ब्लूटूथ वाले से अच्छा होता है, ठीक है। गाइस, अगर आपका एयरफोन हेडफोन मतलब ख़राब क्वालिटी का है, तब भी आपको लगाना है, ठीक है, ख़राब क्वालिटी का है तब भी लगा लेना, कोई बात नहीं, बस फुटस्टेप सुनना चाहिए, ठीक है, ख़राब अच्छा कोई भी हो, फुटस्टेप सुनना चाहिए। सो गाइज, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 3 है मतलब डिफरेंट वेज ऑफ रैंक पुश, ठीक है। सो गाइज, रैंक पुश करने के भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके, ठीक है, मतलब आपको मैं सारे तरीके बता देता हूँ। मेनली रैंक पुश करने के 3 तरीके, ठीक है। पहला तरीका जो है वो है एग्रेसिव गेम प्ले, एंड सेकेंड है सेफ लैंडिंग एंड मूविंग विद जोन, एंड थर्ड है जोन पुश, ठीक है। मैं आपको तीनों अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइज, पहले हम एग्रेसिव गेम प्ले की बात करते हैं। तो गाइस, एग्रेसिव गेम प्ले की बात करें तो उसमें होता है कि हम हॉट ड्रॉप करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बंदे उतरते हैं हम वहीं उतरते हैं, ठीक है। सिंपली आप इमेजिन करो, अगर प्लेन पाथ, ठीक है, पीक एंड मिल के ऊपर से जा रहा है, तो पीक एंड मिल पे ज़्यादा बंदे उतरेंगे, ठीक है। तो आप अगर वहीं उतर के रश करके खेल रहे हो ना पूरा गेम, तो उसे कहते हैं एग्रेसिव गेम प्ले, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है, अच्छी स्क्वाड डू है, तो आप अकेले भी अच्छा खेलते हो, तो एग्रेसिव गेम प्ले भी आप कर सकते हो। पर मैं ये रिकमेंड नहीं कर सकता, ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप अच्छे भी खेलते हो ना, तब भी अगर आपका कभी कभी होता है ना लक भी साथ नहीं देता, तो आप जितना अच्छा खेले हो आप मर ही जाते हो मतलब एग्रेसिव गेम में। तो गाइज, एग्रेसिव गेम तो आप मत ही करना, ठीक है, रैंक पुश में। गाइज, आप बात करते हैं सेकेंड वे ऑफ रैंक पुश की, ठीक है। तो सेकेंड वे ये है कि सेफ लैंडिंग एंड मूविंग विद जोन। सो गाइस, इसका मतलब है कि आपको प्लेन पाथ से बहुत ही दूर उतरना है। मतलब ये फ़ोटो देखो, ठीक है, मतलब ये फुटेज में आपको ये दिख रहा है कि मैं केप टाउन में उतरने वाला हूँ। तो गाइस, मैं या तो केप टाउन में उतरूंगा, या तो रिमनाम में, या तो हैंगर के कोप्चे में, या तो जर्वेट्री में उतरूंगा।
सो गाइस, आपको भी ऐसा ही करना है, आपको भी प्लेन पाथ से जितना हो सके उतना दूर ही उतरना है एंड जोन के साथ साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। जोन जहाँ पे रुकेगा आपको भी वहीं पे रुकना है एंड जहाँ से जोन श्रिंक होना स्टार्ट होगा ना वहीं से आपको भी मूव ऑन हो जाना है, ठीक है। सो गाइस, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है हमारा जोन बूस्ट, ठीक है गाइस। मुझे नहीं लगता कि ये भी मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये पहले से ही पता होगी। मतलब जोन पुश का मतलब सिंपल मीनिंग है, आपको मतलब जोन के बाहर ही रहना है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप टॉप 10 के अंदर ना आ चुके हो, ठीक है। सो गाइस, मैं आपको सारी कैरेक्टर स्किल्स भी बता देता हूँ, ठीक है, सोलो के लिए, डुओ के लिए, स्क्वाड के लिए, और सोलो में मतलब रश करके खेलने के लिए और फिर सेफ खेलने के लिए ए टू जेड सब कैरेक्टर स्किल आपको दे दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, ठीक है। सो गाइस, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सो गाइस, ये पॉइंट नंबर 4 है मतलब मिस्टेक वाइल पुशिंग रैंक, ओके। मतलब जो जो आप मिस्टेक करते हो वो आपको नहीं करने, जो जो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है ना वो आप मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में। तो गाइस, ये पॉइंट नंबर 4 के मिस्टेक नंबर 1 है कि आपको कभी भी बैग ओपन करके नहीं दौड़ना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मतलब दौड़ रहे हो खुले में, ठीक है, तो आप दौड़ते वक्त ही मतलब बैग खोल के मतलब जो सामान है वो इधर उधर करने लग जाते हो, जैसे एमओ फेंकना, वो मतलब गन का अटैचमेंट्स मतलब वो एडजस्ट करना वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसा काम अगर करते हो तो वो काम अब से अवॉइड करना, ठीक है, रैंक पुश के वक्त। ऐसा क्या होता है कि मतलब काफ़ी बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप दौड़ते हुए जब वो एडजस्ट करते हो ना अपना बैग तक, तब मर जाते हो, ठीक है, बैग ओपन में। तो गाइस, ऐसा आप कभी मत करना। एंड सेकेंड जो आप मिस्टेक हुए ना वो काफ़ी लोग करते हैं कि मतलब स्क्वाड या डुओ खेलते हैं और अकेले चले जाते हैं, ठीक है, मारने के लिए, किल्स के लिए। गाइस, वो कभी भी नहीं करना, ठीक है, अकेले कभी भी नहीं जाना, ठीक है, अपने टीममेट के साथ ही रह के खेलना, चाहे किल जीरो पर टीममेट के साथ ही रहना, ठीक है। एंड गाइस, थर्ड जो मिस्टेक है वो करते हैं कि अकेले रस्क करते हैं, ठीक है। गाइस, कभी भी अकेले रस्क नहीं करना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत डैमेज देते हो पर एनिमी एक एच पी में भी बच जाता है और फिर लास्ट में दोनों को भी मार सकता है, तो आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है, कभी भी अकेले रस मत करना, मतलब रस हमेशा टीममेट के साथ ही करना, ठीक है। चलो गाइस, दूसरा मतलब फोर्थ मिस्टेक आप जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है, वो है एनिमी का पोजिशन अपने टीममेट्स को नहीं बताना, ठीक है। वो ये गलती आप मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे को पता है, मैं भी करता हूँ। मतलब किल्स के लिए अपने टीममेट्स को नहीं बताता कि अरे बंदा इधर है, ठीक है, तो मैं जब नॉक हो जाता हूँ ना तभी बताता हूँ, अरे यार इधर भी बंदा था, ऐसा करता हूँ। तो आप ऐसा मतलब ऐसी गलती मत करना, ठीक है, आप पहले से ही बता देना रैंक उसके टाइम में कि बंदा दिख जाए तो यहाँ ये बंदा, मतलब जिसके भी मैं खाते में चला जाए किल, आपको बता नहीं देना है, ठीक है, टीममेट को इधर है बंदा उधर है बंदा, तो आप किल के लिए ऐसा बिल्कुल ना करें रैंक उसके वक्त। तो हाँ, इतना ही है गाइस, ये पॉइंट नंबर 1 मिस्टेक, और आप बाकी मिस्टेक तो आप खुद ही ढूंढना। एंड गाइस, रैंक पुश के वक्त ना आपकी कॉमन से कॉमन गलतियाँ भी आपकी जान ले सकती है, ठीक है, गेम में, तो इसीलिए आप अवॉइड करें, ठीक है, मिस्टेक मतलब कोई भी ना करे, एकदम ध्यान से खेले रैंक पुश के वक्त, ठीक है। और अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, ठीक है। सो गाइस, पॉइंट नंबर 5 है कॉमन टिप्स फॉर सर्वाइविंग। तो गाइस, मैं कुछ टिप्स कॉमन टिप्स आपको शायद पता ही होगी, जो हर यूट्यूबर बोलता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस, टिप नंबर 1 है कि आपको ना हमेशा प्लेन पाथ के बहुत दूर उतरना है, ठीक है। मतलब सेफ खेलने के लिए तो गाइस लैंड तो सेफ ही करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो हमेशा लैंड बहुत ही दूर करना, ठीक है। एंड गाइस, अगर आप सोलो खेले हो तो आपको पता ही होगा आजकल कि मतलब सोलो में आप एक मिनट के अंदर मर जाते हो तो फिर भी मतलब फिर से आपको रिवाइव कर दिया जाता है, तो इसीलिए आप अगर सोलो खेल रहे हो तो शुरू के एक मिनट की मतलब, ठीक है ना, अंदर रस करो, ठीक है, जब तक आपके मतलब 2-3 HP फिर भी आप रस करो, ठीक है, चाहे मर ही जाओ, क्या पता 1-2 किल निकल आए शुरू में ही, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गाइस, ये ट्रिक सभी लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, तो आप भी यूज़ कर ही लेना। तो गाइस, अब बढ़ते हैं थर्ड टिप्स की तरफ। थर्ड टिप है लैंडिंग फार एज पॉसिबल, ठीक है। मतलब सोलो में तो आप शुरू में 1-2 किल निकाल के मर गए तो फिर से रिवाइव होके फिर मतलब सेफ जगह पे उतर सकते हो, पर डुओ और स्क्वाड में आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए डुओ और स्क्वाड में आपको थोड़ा मतलब थोड़ा क्या बहुत दूर ही उतरना है। एंड गाइस, फोर्थ टिप है कि मतलब आपको हमेशा अपने टीममेट्स के साथ ही रहना है, ठीक है, चाहे आपको लूट करने के समय हो, ठीक है,
एंड लूट करने के लिए भी अपने टीममेट के साथ रहना है और रस करने के लिए भी अपने टीममेट के साथ रहना है। एंड मतलब टीममेट के साथ रहने के बहुत सारे फ़ायदे, ठीक है, मतलब आपको झट से रिवाइव भी मिल जाएगा, ठीक है, एंड मतलब कम्युनिकेशन भी अपना अच्छा हो जाता है। तो आप ऐसा ही करें, ठीक है, हमेशा अपने टीममेट के साथ ही रहें, ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। एंड गाइस मतलब आजकल ना रिवाइवल मतलब रिवाइव करने का भी पॉइंट मिलता है, ठीक है, रिवाइव करने का पॉइंट अलग सा और हेल्प करने का पॉइंट अलग सा। मतलब रिवाइव करने का मतलब क्या है कि जो आप मतलब वेंडिंग मशीन से सॉप करके अपने टीममेट को बचाते हो ना, उसका आपको दो प्लस मिलता है, ठीक है, एक टीममेट को भी बचाते हो तो आपको दो प्लस मिलता है एक्स्ट्रा। अगर आप कोई टीममेट को रिवाइव करते हो ना तो गाइज आपको तीन प्लस एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है, तो पाँच पॉइंट तो आपके टीममेट से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो बहुत बेनिफिट्स है आपके टीममेट के साथ रहना, ठीक है। तो गाइज ये आप ज़रूर से फॉलो करें, अपने टीममेट के साथ ही रहें, ठीक है। सो गाइज अब बात करते हैं वेपन की, ठीक है, तो कौन सा वेपन चलाना है शॉर्ट या लॉन्ग रेंज के लिए, ठीक है। तो गाइज वेपन तो मतलब आपके हिसाब से, ठीक है, आपने कौन सी मतलब आपको कौन सी वेपन अच्छी लगती है, कौन सी वेपन आपको अच्छे से चलाना आता है, तो आप उसी हिसाब से चला लेना। एंड गाइस अगला टिप है कंप्लीटिंग लूट, ठीक है, लूट आपका मतलब हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, अगर लूट नहीं कंप्लीट होगा तो आप मतलब सर्वाइव के चांस बहुत कम है। तो एग्जांपल आप ले लो कि अगर आप मतलब बहुत ही छोटा चुन में रिवाइव होके मतलब अभी अभी उतर रहे तो आप देख सकते हो, ठीक है, आपका लूट कुछ भी नहीं होता तो आप मर जाते हो। तो अच्छा लेवल 4 का वेस्ट, लेवल 3 का हेलमेट मतलब, और लेवल 3 का हेलमेट पे भी वेंडिंग मशीन पे जाके एक हेलमेट मतलब हेलमेट प्रोटेक्टर या पता नहीं हेलमेट थीकर शायद उसका नाम होता है, ठीक है, वही कुछ होता है 200 या तो हाँ 200 टोकन में, तो वो भी आप लेना, ठीक है। एंड गाइज नेक्स्ट टिप है ऑलवेज इक्विप साइलेंसर, ठीक है, राइफल कैरेक्टर लगाने से अच्छा है कि आप मेरे हिसाब से तो साइलेंसर ही लगा लो, ठीक है, बस आप सिर्फ कैरेक्टर इसके लिए बर्बाद कर रहे हो एक, तो गाइज उससे अच्छा तो कुछ हयाट वायट लगा लो उस राइफल की, राइफल से तो बहुत अच्छा है। तो गाइज साइलेंसर मतलब राइफल का कैरेक्टर का काम तो बस साइलेंसर कर ही देता है गाइज, तो क्या ज़रूरत हो राइफल की। तो गाइज मेरी मानो तो आप साइलेंसर ही ले दो, ठीक है। सो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, नेक्स्ट टिप है डोंट रन फॉर किल्स, ओके गाइज रन फॉर बुया, ठीक है। तो गाइज काफ़ी बंदे मतलब किल की तरफ भागते तो वो किल करते करते ही मर जाते, तो आपको ऐसा नहीं करना है रैंक पुश के वक्त। रैंक पुश के वक्त आपको ना मतलब आपने स्क्वाड में खुद एक्सपीरियंस किया होगा गाइज, लास्ट मंथ में लास्ट जोन में भी भाई 15-20 एनिमी तो होंगे ही, मतलब एक दो किल तो आप निकाल ही लोगे और शुरू में 2-3 किल निकाल लेना आप। एंड गाइज 3-4 किल या तो 5 किल हो गए तो हो ही गए गाइज, उससे ज़्यादा क्यों चाहिए आपको। और आजकल तो हाँ मैंने बता दिया रिवाइवल वाला। सो गाइज इतना ही था जो मैं कॉमन टिप्स आपको बता सकता था, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं सीधा कैरेक्टर स्किल की तरफ, कौन सा कैरेक्टर लेना चाहिए आपको सोलो में, कौन सा कैरेक्टर लेना चाहिए आपको डुओ में, एंड कौन सा कैरेक्टर आपको लेना चाहिए स्क्वाड में। तो लेट्स बिगिन टू द कैरेक्टर स्किल। सो गाइज अगर आप सोलो में जोन पुश करना चाहते हो ना, तो गाइज आपके पास फॉक्स मतलब स्पिरिट फॉक्स, ठीक है, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए और कैरेक्टर स्किल में मैक्सिम होना चाहिए, एक फॉर्ड होना चाहिए, एक कैरेक्टर के होना चाहिए एंड एक कैरेक्टर लियोन होना चाहिए, ठीक है, ये सब आपके पास होना चाहिए। एंड अगर सोलो में आप मतलब मूव विद जोन मतलब जोन पुश नहीं करना चाहते, मतलब जोन के साथ साथ वाले चलने चाहते हो, तो उसके पास मतलब उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक फैल्को, ठीक है, फैल्को होना चाहिए, मैक्सिम होना चाहिए, हयाटो होना चाहिए, केली होना चाहिए एंड कैरेक्टर के होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर के तो गाइस सब में मतलब रैंक पुश करने के लिए टॉप 1 क्लास, ठीक है। एंड गाइस तो चलिए बात करते हैं अब डुओ में, ठीक है, डुओ और स्क्वाड में गाइस आप कुछ भी कैरेक्टर स्किल ले सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, पर मतलब डुओ और स्क्वाड में एक चीज़ होना चाहिए फैल्को, ठीक है, फैल्को मतलब एक मेंबर के पास तो होना चाहिए। एंड बोन फायर आप ज़रूर से लेना, ठीक है, दो बोन फायर आता है एक मैच में आप इक्विप करते हो तो आपके मतलब बहुत फ़ायदे होते हैं, ठीक है, आपके पास अगर लास्ट जोन में मेडकिट्स वगैरह नहीं है तो आपको बोन फायर बहुत हेल्प करता है। तो बोन फायर तो सोलो डुओ स्क्वाड मतलब हर किसी मैच में आपको इक्विप करना है, ठीक है, बोन फायर। तो गाइस बस इतना ही था, और डुओ स्क्वाड में गाइस फैल्को एक मेंबर के पास मैंने बोल दिया, और कपीला यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा हो, ठीक है, डुओ और स्क्वाड दोनों में एक कपीला यूज़ कर दोगे तो आपको टीममेट मतलब रिवाइव कर, अगर आपको कोई टीममेट रिवाइव करोगे तो उसको मतलब उसको 80 SP मिल जाएगा और उसका मूवमेंट स्पीड 15% से बढ़ जाएगा, ठीक है, 3 सेकेंड मतलब कितना सेकेंड मिल रहा है पता नहीं गाइस, बस इतना ही है, ठीक है, और इतना कैरेक्टर स्किल मैंने बता दिया, और यही है गाइस कुछ रैंक पुश के टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं अब
लास्ट एक बार मैं शुरू से लेके एंड तक रिकैप कर देता हूँ, ठीक है, एक ही बार में। तो गाइस जिनको भी मेरा समझ नहीं आया, ठीक है, ये वीडियो, क्योंकि मेरे को खुद नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को हिंदी भी अच्छा उतना अच्छा बोलना नहीं आता, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो गाइस मैं एक बार शुरू से रिकैप कर देता हूँ, ठीक है, मैं मतलब क्या क्या बोला। सो गाइस जब मैच स्टार्ट करोगे तो आपको प्लेन से बहुत दूर उतरना है, पूरा कंप्लीट लूट करना है, बैग ओपन करके नहीं दौड़ना है, जो कॉमन मिस्टेक नहीं करना है, हमेशा टीम के साथ रहना है, टीम के साथ ही रश करना है, टीम के साथ ही मतलब लूट भी शेयर करनी है, ठीक है, और किल के पीछे नहीं भागना है, बुया के पीछे भागना है, लास्ट रूम में आपको किल मिल जाएगा। कैरेक्टर स्किल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एंड गाइस बस इतना ही था मैंने जो शुरू से ही बताया, मतलब हाँ इतना ही था मेनली। तो कैरेक्टर स्किल भी मैंने बता दिया, मिस्टेक्स जो नहीं करना वो भी बता दिया, एंड जो चीज़ करना है वो भी बता दिया। एंड गाइस टिप्स एंड मतलब ऑफ सर्वाइव करने का ट्रिक्स, मतलब कहीं कहीं छुपने वाला ट्रिक्स चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट करना, ठीक है, मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी से। अगर इस वीडियो में 5 लाइक्स आता दे तो इसका मतलब एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा, ठीक है, मतलब जिसमें आप छुप के सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है, आप ये फाइट एंजॉय करो, ठीक है, 1v1। तो अब चलते हैं और 5 लाइक्स, ठीक है, ये वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल। Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.